चाइना के जो वारशिप है, नेवल वारशिप है, उसको मैं फ्रेंकली बोलूंगा वो केवल मछली पकड़ने के काम आते हैं, उनसे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन को धूल चटाएंगे, ड्रैगन को धूल चटाएंगे। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो हथियारों के मामले में चीन का दबदबा रहेगा, मगर जीत भारत के हिस्से ही आएगी। आखिर कैसे चीन के मुकाबले कम सैनिक होने के बाद भी भारत का पलड़ा ड्रैगन से भारी है? कैसे कम संख्या बल होने के बावजूद भारतीय फौज चीन को परास्त कर सकती है? भारत और चीन के मामले में कहा जाता है भले ही चीन के पास सैनिकों की संख्या जो है वो ज्यादा हो, लेकिन पलड़ा जो है वो भारत का हावी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जब हमें हथियारों का प्रयोग नहीं करना था, तब आप ये देखिए कि हमारे सैनिकों ने, लगभग 150 सैनिकों ने 300-400 सैनिकों की क्या हालत कर दी। और अगर इन्हीं सैनिकों के हाथों में लीथल वेपन आ जाए, टेक्नोलॉजी एकदम टॉप क्लास टेक्नोलॉजी के अगर लीथल वेपन आ जाए, तो हमारे ये जवान कितने लीथल, कितने घातक साबित होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं। चीन अपने 2 लाख से ज्यादा इन सैनिकों को एक साथ भारत के खिलाफ तैनात करने की स्थिति में भी नहीं है। शिनजियांग और तिब्बत में हो रहे विरोध को दबाने के लिए चीनी सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा उपलब्ध नहीं होगा। युद्ध को लड़ने के लिए जो हथियार है, नो डाउट इसमें भी इंडिया का आज की डेट में कहीं कोई जो है सानी नहीं है चाइना के कंपैरिजन में। नो डाउट चाइना के पास हो सकता है क्वांटिटी आप लोगों को ज़्यादा दिखाया जाता है, लेकिन ये क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं होता है। केवल एक सिंगल सप्लाई लाइन को कट करके भी पूरे के पूरे वॉर को जो है हारा या जीता जा सकता है, और इसके पूरे के पूरे उदाहरण हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन के खिलाफ भारत की सैन्य तैनाती एकदम मारक है। भारतीय फौज चीनी सीमा के अलग अलग हिस्सों में अच्छी तरह पट चुकी है। ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनुभव ज्यादा होने के कारण भारत की स्थिति बेहतर है। यहाँ भी ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने अपने सैनिकों को खास तौर पर उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर पर चीन के मुकाबले के लिए तैयार किया हुआ है। इंडियन सेना के पास पहाड़ों पे लड़ने के लिए न केवल चाइना बल्कि वर्ल्ड की ये बेस्ट माउंटेन कॉम्बैट में अगर देखा जाए, और वो भी अटैकिंग फेस की मैं बात कर रहा हूँ कि माउंटेन पे लड़ते हुए अटैक करना, न कि डिफेंस करना, इंडियन सेना को बेस्ट माना जाता है। उसके कुछ एग्जांपल है, सियाचिन सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर रहने वाला वॉर फील्ड है, लगातार हमारी सेनाएं वहाँ पर डटी हुई हैं, और कारगिल वॉर जो हुआ था इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। चीन की हर चाल को ध्वस्त करने के लिए माउंटेन फोर्स को तैनात किया गया है। ये वही फोर्स है जिसने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इनके अधिकारियों ने पहली बार कबूलनामा करते हुए कहा कि 15-16 जून की रात जो झड़प हुई उनका भी उसमें एक कमांडिंग ऑफिसर मारा गया। भारत के सैनिक निहत्थे होते हुए भी इतना इतना जबरदस्त वो शूरवीरता का परिचय कैसे देते हैं, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हजारों साल से जो मोरल बिल्डिंग हम लोगों की होती रही है बचपन से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ तक। चीन का ये कबूलनामा बताता है कि भारत की फौज उसके छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। सैन्य बल ज्यादा होने के बावजूद चीनी सैनिक भारतीय फौज के सामने कहीं नहीं दिखते। रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि भारत के सैनिकों के पास वो साहस, वो शौर्य है जो चीनी सैनिकों के पास नहीं है। भारतीय जवानों के पास कई युद्धों का अनुभव भी है। आज की डेट में वॉर को जीतने के लिए 2-3 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। सबसे होता है इंडिविजुअल एक सैनिक की कैपेबिलिटी और मोरल। इसके उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ, और हजारों साल का मोरल का हमारा इतिहास रहा है। आप चाहे महाराणा प्रताप को ले लीजिए, और बहुत सारे युद्ध हैं जो कि मोरल, संसाधन भले ही कम थे लेकिन उनका मोरल, उनका आत्मबल इतना ज्यादा था जिसके कारण वो युद्ध को जीत गए। चाइना के जो वॉरशिप है, नेवल वॉरशिप है, उसको मैं फ्रेंकली बोलूंगा वो केवल मछली पकड़ने के काम आते हैं, उनसे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। चाइना की नेवी के पास एक्टिव वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारी नेवी 1971 वगैरह में भी कई बार एक्टिव वे में
युद्ध का दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। एयरफोर्स की ताकत की तुलना में भी भारत की वायु सेना चीन पर हावी है। एयरफोर्स के जितने भी हवाई अड्डे हवाई पट्टियां भारत की हैं, उनके पास एक टेक्निकल और नेचुरल एज है। तिब्बत के पास, चाइना के कंट्रोल में जो तिब्बत के पास एयरफील्ड है, उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन की डेंसिटी वहाँ बहुत कम होती है और जेट इंजन के लिए ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन की डेंसिटी प्रॉपर नहीं है तो जेट इंजन जो होता है फाइटर प्लेन का, वो फुल फ्लैप काम नहीं करता है। ये नेचुरल एडवांटेज आपको इंडिया को मिलता है।